मैं भाई उमंग मारवा जी को आमंत्रित करता हूँ। भाई उमंग जी जो बिस्कुट डिवीजन देखते हैं, कॉन्फेक्शनरी डिवीजन, आप तीन चरण को सफलतापूर्वक क्रॉस करके आज इस मंच पे बैठे हैं। मेरा मूल उद्देश्य आप लोगों से आज बात करने का है कि हम किस वजह से पतंजलि के साथ जुड़े हैं, क्या कारण है, क्या करना है हमें, इसके बारे में मैं कुछ बात करना चाहूँगा आपसे। हमारा मेन ऑब्जेक्टिव जो है पतंजलि के साथ जुड़ने का है कि हम स्वदेशी को घर घर तक लेकर के जाएं, आपको आपके एलोकेटेड एरिया में, आपके निर्धारित क्षेत्र के अंदर कवरेज करनी है, आपके क्षेत्र में जितनी दुकानें हैं उसको कवर करना है। तो हमारा मूल उद्देश्य है कि आप मार्केट में जा कर के आपके अपने क्षेत्र के अंदर दुकानों को कवर करें और वहाँ पर इफ़ेक्टिव कवरेज करें एक फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी के हिसाब से। एक दुकानदार को पता होना चाहिए कि ये पतंजलि का सेल्समैन है, डिस्ट्रीब्यूटर सेल्समैन है। पतंजलि में हम डिस्ट्रीब्यूटर DSM बोलते हैं। सो शर्मा जी ने बहुत अच्छा, राकेश जी ने बहुत अच्छा एक उसका नाम लिया है कि हमारे जो DSM भाई हैं वो डिस्ट्रीब्यूटर सेल्समैन नहीं है, वो दिव्य सेल्समैन है। सो आप सभी दिव्य सेल्समैनों को हर एक दुकान पे अपनी पतंजलि के उत्पाद का अवेलेबिलिटी करवानी है, सामान रखवाना है। आपको अपने एक दिन में 35 दुकानों को कवर करना है और वहाँ पर इफ़ेक्टिव कवरेज करनी है। अगर मैं बिस्किट वर्टिकल की बात करता हूँ तो बिस्किट वर्टिकल में हमारी 13 कैटेगरीज आती हैं, जैसे बिस्किट हो गया, ब्रेकफास्ट सीरियल हो गए, नूडल्स हो गए, केचप, जैम, पिकल्स, सोन पापड़ी, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, हार्ड बॉयल कैंडीज, कफ एंड कोल्ड ड्रॉप्स, नमकीन, तो ये सब 13 कैटेगरीज हैं जो हमारे इसमें वर्टिकल में आती हैं, जिसके अंदर 147 SKUs हैं। हर दुकान पे अंदर वो पूरे 147 SKUs कभी भी अवेलेबल नहीं हो पाते जो हमें अवेलेबल करवाने हैं। तो हर विजिट में हर दुकान का एक पर्चा बनना अनिवार्य है, बन सकता है, अपॉर्चुनिटी है आपके पास, सेलिंग अपॉर्चुनिटी है। हम 35 दुकानों में से ये भी मान के चलते हैं कि अगर हमारी 22 दुकानें भी इफ़ेक्टिव होती हैं और हम 147 SKUs में से मात्र 10% SKUs, जो कि 15 लाइनें हो गई, क्योंकि उसको पता लग गया कि पतंजलि सेहत बेचती है, हमें उसके मुकाबले में खड़ा होना है। परंतु उमंग जी ने अभी आपके सामने जो रखा, ये तरीका है अपनी प्रेजेंटेशन करने का कि पतंजलि सेहत बेचती है और बाकी विदेशी कंपनियां मौत बेचती हैं। एक बार आप सबकी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन आदनी भाई उमंग जी का। और अब मैं आमंत्रित करता हूँ हमारे फूड डिवीज़न के नेशनल हेड आदनी भाई राकेश शर्मा जी, जो कि बहुत ही प्रबुद्ध व्यक्तित्व हैं और बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है उनका। और ये हमारा सौभाग्य है कि हमें इस प्रकार के नेशनल रेप्यूट के व्यक्तित्व हमें ट्रेनिंग देने के लिए यहाँ उपलब्ध हैं। एक बार आप सबकी जोरदार करतल ध्वनि में भाई राकेश शर्मा जी। आज का दिन विशेष है आप सभी के जीवन में। और विशेष क्यों है, मैं आपको 9 साल पीछे अपने जीवन में लिए चलता हूं। 41 साल की उम्र तक बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ काम किया, सुबह उठते थे, टूथपेस्ट करते थे, नहाते थे, ब्रेकफास्ट करते थे और एक अपना रटा रटाया सा काम, 9:10 पे बॉस की कॉल आनी है, गेट मीटिंग वाली, इतना टारगेट आज कर देना, कल आपने ये नहीं किया, वो नहीं किया, हम उस टारगेट को करते थे, टारगेट 75% से ज़्यादा समय हो जाता था, शाम को फिर बैग लटकाए, फिर घर आए, खाना खाया, सो गए, अगले दिन फिर यही दिनचर्या। तो 41 साल तक ये समझ नहीं आया, कोई व्यक्ति अगर हमसे पूछता था आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, इस जीवन का ध्येय क्या है, तो क्या चीज समझ में आती थी, जीवन का उद्देश्य है अपनी कंपनी का टारगेट पूरा कर दें। फिर कभी कभी कोई सुधी जन हमसे पूछता था, जब आपका 75% से ज्यादा बार टारगेट पूरा हो जाता है, खुश तो रहते नहीं आप, तो आप खुश कैसे हो सकते हैं।
तो हमें पता ही नहीं लगा कि हम खुश कैसे हो सकते हैं। और ये 41वां साल आते आते मुझे पूर्ण रूप से अपने ऊपर ये विश्वास हो गया था कि मैं खुश नहीं रह सकता। दिक्कत क्या थी पता नहीं, बहुत लोगों से मिला, काउंसलर्स से मिला, दुनिया भर की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, ऑनलाइन ट्रेनिंग, ऑफलाइन ट्रेनिंग, सोफे पे बैठ के ट्रेनिंग, दरी पे बैठ के ट्रेनिंग। वो उत्तराखंड की पहाड़ियों में एक ITC के एक्स चीफ हुआ करते थे, उन्होंने एक ट्रेनिंग सेंटर खोला, वहां भी गए, अंधेरे में ट्रेनिंग, रोशनी में ट्रेनिंग, 5-स्टार में ट्रेनिंग, बिना स्टार के ट्रेनिंग, जमीन की ट्रेनिंग, आसमान की ट्रेनिंग, सब फेल की मैंने 1-2 नहीं पता लगा खुश कैसे हो सकते हैं। किसी ने कहा पैसा हो तो खुश हो सकते हैं, अपने को कोई दिक्कत ही नहीं थी पैसे की। जितनी उम्र में मैंने बहुराष्ट्रीय कंपनी में जाकर जो पद हासिल किया वो उस कंपनी में मैं दूसरा या तीसरा ही व्यक्ति था, तो भी खुश नहीं, समझ ही नहीं आया। दिन बदले, पूर्व जन्म का कोई सुकर्म सामने आया, मां बाप के आशीर्वाद ने काम किया और स्वामी जी से हमारी मुलाकात हुई। हमने स्वामी जी से भी यही सवाल किया, स्वामी जी से ये सवाल किया, स्वामी जी ने कहा आप एक बार पतंजलि आइए। तो हम फिर से चल पड़े पतंजलि योगपीठ। पतंजलि योगपीठ गए तो हमने स्वामी जी महाराज से पूछा जी आगे क्या करना है। स्वामी जी ने कहा यहां रहो और देखो कि हम क्या कर रहे हैं। हमने कहा ये बहुत अच्छा काम है जिसमें कुछ करना ना पड़े और लोग कर रहे हैं और उन्हें देखना है और हम खुश हो जाएंगे, ये सबसे बढ़िया काम, यही काम करेंगे। काम किया तो थोड़े दिन बाद यह पता लगा कि हम खुश क्यों नहीं, क्योंकि एक पशु के जीवन में और मेरे जीवन में कोई फर्क नहीं था। वहां जाके ये समझ में आया कि जो जो मैं करता हूं वो एक पशु तो ऑलरेडी कर ही रहा है। जैसे मैं अपने बच्चों की फीस अरेंज करने के लिए, उनका खाना अरेंज करने के लिए काम पे जाता हूं, कौन नहीं करता? है कोई ऐसा जानवर जो अपने बच्चों के लिए खाना ना लाता हो? वो भी सुबह जागते हैं, हम भी जाग रहे थे। तब जाके ये समझ में आया कि जिंदगी में कमी कहां है। वहां जाके ये समझ में आया कि वो व्यक्ति जो सिर्फ और सिर्फ मानव शरीर को धारण किए हुए है और सिर्फ खुद के लिए या खुद के परिवार के लिए काम कर रहा है, उसकी आत्मा कभी प्रसन्न नहीं हो सकती। तो अब आत्मा को प्रसन्न कैसे करें? तो ये जाके भी पतंजलि में समझ में आया कि हम अपने भौतिक शरीर को भौतिकताओं का भोजन तो देते हैं, लेकिन मेरी आत्मा जिस भोजन को मांगती है, और आत्मा का भोजन क्या? परोपकार, वो हम उसे कभी नहीं देते। और दोस्तों वहीं जाके ये समझ में आया मित्रों कि पैसा आपको खुश नहीं कर सकता। अगर पैसा आपको खुश करता तो इस देश के सबसे बड़े औद्योगिक घराने के दो भाई कोर्ट में पैसे के लिए ना लड़ते, आप सभी को ज्ञात। तो अगर अपने तन मन और आत्मा सबको प्रसन्न करना है तो क्या करना होगा? अपने लिए तो कुछ ना कुछ कीजिए, इस समाज के लिए भी कुछ कीजिए जिस समाज ने आपको स्थान दिया है। और आज ऐतिहासिक दिन, आपके जीवन में आमूलचूल परिवर्तन क्यों आएगा? क्योंकि आज सभी आप भाई कुछ बहने एक ऐसे व्यक्तित्व से साक्षात रूप से साक्षात्कार करेंगे, ना केवल 1-2 बल्कि घंटों के लिए, जिन्होंने इस देश में हर वो काम किया जो इस देश के बारे में कहा जा सकता था कि इस देश में ये काम करना असंभव। कौन कौन से काम? एक किसान परिवार का बच्चा अगर उसकी जन्म पत्री बनाने के लिए किसी ब्राह्मण को भी बुला लिया जाए तो गांव में वो वक्तव्य भी मैंने जन्म पत्री बनाने वालों के सुने, किसान का बच्चा इसकी जन्म पत्री क्या करोगे, इसके पिताजी ने हल चलाया ये भी चलाएगा, क्या जन्म पत्री है इसमें, है कि नहीं? उसी किसान परिवार का, साधारण से किसान परिवार का एक बहुत छोटे से गांव में जन्मा हुआ एक व्यक्ति अपने जीवन के मात्र 45 से 50 साल की यात्रा के दौरान इस देश की सबसे बड़ी तीसरी नंबर की FMCG कंपनी खड़ी कर देता है, और वो है हमारी कंपनी पतंजलि आयुर्वेद।
इस असंभव काम को संभव किया महाराज श्री ने। भारतीय परिवेश में आज से 30-40 साल पहले की मैं बात करता हूं, जहां माता पिता से बात करना, पिता से बात करना तो एक बहुत बड़ा, मतलब मेरे वाले एज के जितने भी लोग हैं मानते हैं कि पिताजी से काम करना या पिताजी से बात करना जैसे एवरेस्ट पे चढ़ना। ऐसे ही इस देश के एक साधारण से किसान परिवार में 10 साल का एक बच्चा अपने घर में भूख हड़ताल शुरू करता है कि अगर मेरे दादाजी ने हुक्का पीना नहीं छोड़ा तो मैं भोजन ग्रहण नहीं करूँगा। और वो थे स्वामी रामदेव जी महाराज। दूसरे असंभव काम को संभव किया। इस देश के अंदर आज तो हालत यह है कि सरकारी दफ्तर में एक ऑफिस बॉय, चपरासी भाई भी अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़ाना नहीं चाहता, मजबूरी में भेजना हो तो अलग बात। इसी देश के अंदर ये स्थापित सत्य बना दिया गया था कि जो भी गवर्नमेंट स्कूल का पढ़ा हुआ होता है वो कोई बहुत अच्छा प्रोफेशनल नहीं बन सकता, किसी प्राइवेट कंपनी को लीड नहीं कर सकता। आप में से कितने भाई सरकारी स्कूल में पढ़े हुए, हाथ खड़ा करो। वेरी गुड, सारे मेरे जैसे भाई। किसी बड़े बी स्कूल से नहीं पढ़ा, और ये महाराज श्री का आशीर्वाद है कि उन्होंने इस स्थापित सत्य को भी तोड़ा कि आज आपके समक्ष में फूड विभाग का राष्ट्र प्रमुख होने के नाते आपसे वार्तालाप कर रहे हैं। एक और अघोषित सत्य, स्थापित सत्य, जिन्हें इंग्लिश बोलनी आती है वो ही प्रोफेशनल बन सकते हैं। तो भाइयों, उस स्थापित सत्य को भी हमारी संस्था पतंजलि आयुर्वेद ने तोड़ा है। और कैसे तोड़ा है, 11,000 भाई बहन DSM के रूप में इतने सूक्ष्म से समय में हम लोगों ने नियुक्ति दी है। और क्या हमने आप में से किसी से ये पूछा है कि आपको इंग्लिश बोलनी आती है या नहीं आती? तो आप सब इसके लिए बधाई के पात्र हैं, और अपने लिए एक बार जोरदार ताली बजाइए इस विश्वास के लिए। एक और स्थापित सत्य है इस देश के अंदर कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनके प्रमोटर्स या उनके CEO या उनके जो स्टेक होल्डर्स, वैसे तो जैसे कि महाराज श्री कहते ही हैं कि ज्यादातर कंपनियों के पिताजी और माताजी तो अभी तक ढूंढने में लगे हुए, मिले ही नहीं कौन है, वो कभी भी सीधे संवाद नहीं करते उस कंपनी के आखिरी स्तर पर सेवा देने वाले कर्मचारी से। आज महाराज श्री उस स्थापित सत्य को पिछले 20-30-40 दिन से लगातार प्रतिदिन तोड़ रहे हैं कि हर DSM भाई से वो सीधे संवाद कर रहे हैं। पतंजलि आयुर्वेद पहली ऐसी कंपनी। और ये कोई साधारण सी कंपनी नहीं है। जो अपने आप को ये कहते हैं कि हम FMCG के लीडर हैं, उसमें आप सभी लोग जानते हैं उन कंपनियों के नाम क्या लें, जो 100-100 साल से काम कर रहे हैं, हम लोगों ने उन कंपनियों को मजबूर किया है कि वो पतंजलि आयुर्वेद के रास्ते पे चलें। कैसे, इस देश में टूथपेस्ट और कोलगेट दोनों को सिनोनिम्स यानी पर्यायवाची माना जाता था। पतंजलि आयुर्वेद के दंत कांति ने इस बहुराष्ट्रीय कंपनी को मजबूर किया कि वो भी हर्बल टूथपेस्ट बनाए अगर उसे यहां रहना है तो। जो थोड़े दिन पहले तक ये कहते थे कि आयुर्वेद क्या होता है, उनको भी वेद शक्ति नाम से टूथपेस्ट उतारना पड़ा। इस देश के अंदर 7 साल पहले तक स्थिति यह थी कि गाय का घी हम लोग भैंस के घी में मिला मिला कर सब कंपनियां बेचती थी, गाय का घी का कोई ग्राहक ही नहीं था। और गायों को कत्ल खाने से बचाने के लिए बहुत जरूरी था कि एक ऐसा मॉडल इस समाज को दिया जाए कि गाय दूध दे तब भी किसान की आमदनी हो, गाय दूध ना दे तब भी किसान की आमदनी हो। तो वो हमारी कंपनी पतंजलि आयुर्वेद ने किया, पूरे हिंदुस्तान की गाय का घी खरीदा और दुनिया में उपलब्ध कराया। और जो गाय दूध नहीं देती, गोमूत्र को भी एक औषधि के रूप में स्थापित किया,
और हर किसान परिवार को वो मॉडल दिया कि आपकी गाय दूध अगर नहीं भी देती तो इसका गोमूत्र पतंजलि आयुर्वेद आपसे खरीदेगी जो औषधियों में काम आएगा। तो ये गाय जो इस देश की संस्कृति का सम्मान है, उसका आधार है, इसको अपने पास ही रखिए। ये काम भी पतंजलि आयुर्वेद ने किया। और अब आप सब लोगों से इस समाज की अपेक्षाएं क्या है? आप लोग जब इस देश की सर्वश्रेष्ठ कंपनी, इस देश की मोस्ट फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी का एक हिस्सा बन रहे हैं, तो इस समाज की आपसे क्या क्या उम्मीदें होंगी, क्या क्या अपेक्षाएं होंगी? आपके सामने चुनौतियां आएंगी। और ये सब असंभव को संभव करने की कहानी मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ इसीलिए सुनाई है कि इन चुनौतियों से घबराना नहीं है, डरना नहीं है। महाराज श्री अपने उद्बोधन में अक्सर कहते हैं कि ऐसा कौन है जिसके आगे चुनौती ना आई हो। भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, कोई भी भगवान, किसी से भी बात करो आप, किन्हीं का भी इतिहास उठा के देखो, चुनौतियां आई लेकिन उन्होंने उन चुनौतियों का सामना किया है। और सभी महापुरुषों ने, कौन महापुरुष जिसका दृढ़ संकल्प हो, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ हो और अभ्यासों की पवित्रता लिए हुए हो, वो महापुरुष रह जाते। चुनौतियां कैसी कैसी आएंगी आपके सामने? ये चुनौती आएगी कि आपसे ये पूछा जाएगा कि मैं, आप सरसों का तेल बेच रहे हैं जो ऑयल वाले हैं, कि आपका सरसों का तेल बाकी से महंगा है, तो घबराना नहीं है, महंगा होगा क्योंकि मेरे सरसों के तेल एक लीटर के अंदर पूरे का पूरा 1000 ml सरसों का तेल ही है। बाकी सब कंपनियां इसमें पाम ऑयल मिलाती हैं, दूसरे तरह के तेल मिलाती हैं, ये जानकारी आपको होनी चाहिए। इसी चीज को हम प्रोडक्ट की USP बोलते हैं, उसकी विशेषता बोलते हैं। तो तीन चीजें आपको करनी है, नॉलेज, इमोशन एंड देन एक्शन। नॉलेज वाला काम आपका ट्रेनिंग के दौरान हुआ, आपको सभी उत्पादों की जानकारी दे दी गई। अब इमोशन वाला काम, इमोशन आधे से ज्यादा तो आप इस स्वदेशी के अभियान से जुड़ चुके हैं, आपकी उपस्थिति ये दर्शाती है कि आप जुड़ चुके हैं। लेकिन मैं तन से, मन से, आत्मा से कैसे इन उत्पादों के साथ जुड़ सकता हूं और इमोशंस कैसे आ सकते हैं? जब नॉलेज आदमी के पास होती है तो उसका विश्वास जागता है, और विश्वास जब आपके मुखारविंद पे होता है तो कोई भी चीज, कोई भी चुनौती का सामना आप करने के लिए जाते हैं तो 50% से ज्यादा आपके मुखारविंद के ऊपर जो विश्वास की झलक है, आप अपनी जंग जैसे ही उससे मिलते हैं 50% से ज्यादा आप जीत चुके होते हैं। वो विश्वास आपके चेहरे पर होना चाहिए। वो विश्वास आपके चेहरे पर कैसे आएगा? विश्वास एक ऐसी चीज है जो बाजार में कहीं नहीं मिलती, किसी किताब की दुकान पर नहीं मिलेगी, किसी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में भी नहीं मिलेगी। तो विश्वास करने के लिए कि जो उत्पाद मैं बेच रहा हूं ये दुनिया का सर्वश्रेष्ठ उत्पाद है, सबसे अच्छा उत्पाद है, इसके लिए सबसे पहला काम आप एक कीजिए कि आप उन सब प्रोडक्ट्स को खुद यूज करना शुरू कर दीजिए। बहुत सारा ज्ञान आपको ऐसा मिलेगा कि जो किसी ट्रेनिंग में हम आपको नहीं दे सकते। 2016 मई में महाराज श्री मुझे बुलाए और मैं एक प्रेजेंटेशन दे दिया पूजा प्रोडक्ट्स के बारे में, एक घंटे का प्रेजेंटेशन। मैंने मल्टीनेशनल बैकग्राउंड से आया था, मैंने मल्टीनेशनल के हिसाब से मैंने 5 साल का रोड मैप दिया महाराष्ट्र को, बताया पूजा इंडस्ट्री 70,000 करोड़ का इंडस्ट्री है, हम अगले 5 साल में क्या क्या काम करेंगे, क्या क्या प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे उसमें। तो 2016 में ये करेंगे, 17 में ये करेंगे, 18 में ये करेंगे, ऐसा मैंने पूरा 5 साल का प्लान बनाया। महाराष्ट्र बहुत ध्यान से सुने एक घंटा मेरा बात, फिर एक ही प्रश्न पूछे, बेटा तुझे गारंटी है क्या 5 साल तू जिएगा करके? ये सभी काम 5 महीने के अंदर होना चाहिए। तो मैं हैरान हो गया, लेकिन महाराज श्री के कृपा से हम 5 महीने के अंदर 1,00,000 square feet का 3 factories बिल्ड किया और 156 प्रोडक्ट लॉन्च किए। यही काम करने के लिए बेंगलोर का एक मशहूर कंपनी 20 साल लिया, जो कंपनी तीसरा या चौथा नंबर पे है उसको जो 20 साल लगा, हम 5 महीने के अंदर ये काम करके दिखाए। 2016 नवंबर में हम प्रोडक्ट लॉन्च के लिए तैयार हो गए, तो बड़ा टारगेट भी ले लिए हमने,
तो 8 तारीख को रात 9 बजे प्रधानमंत्री मोदी जी टीवी पे आए, भाई और बहनों कल से 500 और 1000 का नोट चालू नहीं रहेगा। लेकिन मैं और एक उदाहरण देता हूँ, आज का दिन में पूजा इंडस्ट्री में सबसे नंबर वन स्थान पे है साइकिल ब्रांड कंपनी, मैसूर का है, 75 साल पुराना कंपनी है। ये कंपनी 1 करोड़ का पड़ाव रीच करने के लिए महीने का सेल का 45 साल लिया था। हमने अगले महीने ही मतलब दिसंबर में एक ही महीने के अंदर 1 करोड़ का टारगेट पार कर दिया। ये सब करने के लिए आस्था नाम क्यों, आस्था क्यों, ये सवाल उठता है। आज का दिन सबसे ज्यादा मिलावट किसी इंडस्ट्री में हो रहा है तो वो पूजा इंडस्ट्री में हो रहा है। जैसे मैंने बताया ये 70,000 करोड़ का इंडस्ट्री है, इसमें 25% मतलब 25,000 करोड़ के आसपास 33% सेल जो आता है अगरबत्ती से आता है। मैं ये पूछना चाहता हूं, अगरबत्ती को अगरबत्ती हम क्यों बोलते हैं, किसी को पता है? अगर एक पेड़ का नाम है जो कर्नाटक और असम में मिलता है, ये पेड़ 40 साल होने के बाद उसको कटा जाता है और उससे तेल निकाल दिया जाता है, वो तेल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 1 लीटर को 6 करोड़ रुपए में बिकती है। वो 1 लीटर तेल, अगर का तेल को 6 करोड़ रुपए में बिका जाता है, इतना वैल्यूएबल आइटम है वो। अगर पेड़ को बारीक काट के पहले महाराजा, मैसूर का महाराजा जलाता था, तो उसको फॉलो करते करते पूरे लोग, दुनिया का लोग अभी अपने अपने तरीके से केमिकल से हो गया या गुलाब का पत्ते से हो गया, चंदन का पाउडर से हो गया, अगरबत्ती बना के बेचना चालू कर दे। हमारे यहाँ भगवान को हिंदू संस्कृति में अतिथि जैसा देखा जाता है। जैसे हम पूजा करते हैं तब भगवान को हम अतिथि जैसा उसका सत्कार और सम्मान करते हैं, इसको बोलते हैं षोडशोपचार। बोला जाता है अर्घ्यम समर्पयामि, पाद्यम समर्पयामि, आसनम समर्पयामि, मतलब हाथ धोने के लिए पानी ले लो, पैर धोने के लिए पानी ले लो, बैठो, ऐसा चत्रम समर्पयामि, चामरम समर्पयामि, इसमें धूपम समर्पयामि करके आते हैं। 16 तरीके का भगवान का उपचार में एक धूपम समर्पयामि, मतलब 5,000-6,000 साल पुराना संस्कृति है ये भगवान का पूजा करना। आत्मा और परमात्मा का बीच का अनुसंधान जो होता है अलग अलग प्रकार का होता है। ऋषि महर्षि लोग तपस्या करते थे, योग ध्यान पूजा पाठ या भागवत प्रवचन, हर अनेक अलग प्रकार का तरीका होता है। आम आदमी पूजा पाठ में ज़्यादा ध्यान देता है, अपने हिसाब से जितना टाइम है 5 मिनट 10 मिनट 1 घंटा भगवान को देने का कोशिश करता है। वो प्रक्रिया में अगर आपने धूपबत्ती जलाई या अगरबत्ती जलाई वो बुझ गए तो आदमी समझता है अशुभ, भगवान मेरा कवरेज क्षेत्र से बाहर हो गया, मेरा और भगवान का कनेक्शन टूट गया, और कुछ अशुभ का एक फीलिंग होता है, पूरा दिन हम उदास रहते हैं। उदाहरण के लिए मैं बोलता हूँ, रेगुलर ब्रांड आपने चाय पत्ती ले रहे 20 साल से, कोई दोस्त बोला ये नया ब्रांड आया है देखो बहुत अच्छा है मज़ेदार है, तो आप लेके जाएंगे, पत्नी वो पैकेट देखते आपके सामने आकर पटकेगी, आपका नानी को पिलाइए मेरा घर में नहीं चलता। लेकिन भगवान ऐसा बनता है चुप फोटो के अंदर बैठा रहता है, कोई भी जलाओ कुछ भी जलाओ। इसके लिए लोग 500 रुपए का घी अपने लिए लेते हैं और पूजा घी दे दो 160 वाला भैया, क्यों? भगवान चुप रहता है। आप कोई अगरबत्ती जलाओ कोई रुई बत्ती जलाओ, इतना मिलावट हो रहा है, मैं बताता हूं एक एक चीज को। रुई बत्ती जो आप शुद्ध घी में डुबा के जलाते हैं ना, उसको अस्पताल से लिया हुआ मेडिकल वेस्ट से बनाया जाता है, तकिया से बनाया जाता है और बिस्तर से लिया हुआ रुई से बनाया जाता है, और हम भगवान को शुद्ध समर्पण करते हैं उसको। कपूर में मार्बल पाउडर मिक्स किया जाता है, मोम मिक्स किया जाता है, और इधर सदर बाजार में एक छोटा कपूर करके एक चीज मिलता है 60 रुपए किलो, शुद्ध कपूर 1000 रुपए का किलो का होता है, उससे मिलावट करने से एक टिकिया आप जलाइए 30 सिगरेट का सामान होता है इसका धुआं। इस सब चीज को मद्देनजर रखते हुए पूज्य महाराज श्री ने आस्था डिवीजन को चालू किया, श्रद्धालु को शुद्ध स्वच्छ प्रोडक्ट देने का प्रयास किया है।